से आत्मसात करके उन वचनों पर चलने का प्रयास करें। हम संसारिक लोग हैं, हम तुच्छ संसारिक काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार से जुड़े हुए। बेन बेन कहूंगी कच्चे पक्के मिट्टी से, पर अगर हम प्रयास करें अपने प्रयास से, हम चलने की कोशिश करें, सतगुरु के कहे हुए वचनों को अपनाएं और उस पर चलने के लिए कोशिश करें, तो हमारा सतगुरु बहुत प्रसन्न होता है और दाते बख्शता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। हमारे गुरु जी साढ़े गुरु जी ने भी ना अपनी संगत को, जब वो अपने संसारिक चोले में थे, बहुत सारे वचन कहे जाने अनजाने जो बोलते चले गए। आज वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर आज भी वो हम सब के बीच में अपना हमारे लिए साक्षात मौजूद है। अपने जो गुरु परिवार को ही नहीं पूरे संसार को बख्शने के लिए तैयार है, उस पर अपनी मेहर करने के लिए तैयार है। गुरु जी के कहे हुए वचनों में से एक वचन है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ये सच है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुका और ना रुकता है। पल पल दिन में, पल पल घंटों में और घंटे दिनों में और दिने दिन सालों में, और इसी तरह से जिंदगी खत्म हो जाती है। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, समय का बड़ा मोल है, समय नो थाम के रखो। और कभी कभी तो वो खुद भी थाम लेते थे समय। मैंने पुरानी संगत के सत्संगों में सुना है कि वो कहा करते थे कि जैसे टाइम है ना, वो घड़ी को भी रोक लेते थे। पर संगत जी, ये जो जिंदगी हमें मिली है ना, वो हमने अपने अच्छे कर्मों से, ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये हमने साक्षात रब को याद करते हुए, परमात्मा को उसके कहे हुए वचनों पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना है। ये जो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, ये बहुत उत्तम योनि है। इसी में ही हम सिमरन करके, नेक कर्म करके, इबादत करके, पूजा करके, अपने सतगुरु को पहचान कर, उसके कहे हुए वचनों पर मान कर और उस पर चल कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम प्रयास तो कर ही सकते हैं, ताकि आगे राप्ती मर्जी, चाहे हम बाइबल में देख लें, चाहे हम कुरान में, चाहे हम गीता पढ़ लें, चाहे हम अपने अगर सतगुरु कहे हुए वचनों में से देखें। एक वचन ये भी है कि तुसी एक कदम मेरे वाल चलोगे ना, मैं 100 कदम तुहाडे लई तोड़ के आवांगा। पिछले चंद दिनों में, मुझे नहीं मालूम, मेरी जो लाइफ में आई एम मोर देन 50 इयर्स, मेरी जर्नी में मैंने कभी भी कोई नेक काम किया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं। मेरे गुनाह बख्श, संगत जी मेरी मैं को मैं ना समझना, मैं अपने आप को बस सिर्फ अपने शब्दों में से एक मैं कह रही हूं और कुछ नहीं। मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना। पिछले कई दिनों जो लास्ट 2 वीक रहे हमारी मेरी जिंदगी में, उसमें मुझे गुरुजी ने बहुत सारी दाते दी। और पिछले कई महीनों में आफ्टर कोविड गुरुजी ने बहुत अपने साथ होने का एहसास दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। एक बात कहूंगी, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और काफिला बनता चला गया।
गुरु जी ने ना एक बड़ी वड्डी मैदानी मार रखी। वो मैदानी पता है क्या है? उस मैदानी के साथ ना वो अपना गुरु परिवार सारा इकट्ठा कर रहे। उसमें से मुझे मिली तृप्ता आंटी, सुरेश वासन अंकल, सोनिया दुआ आंटी, वीना छाबड़ा आंटी और सबसे अनमोल रूप तृप्ता आंटी और साथ में रेखा आंटी, आशा जुत्ती आंटी, अश्विनी भैया, शीतल आंटी, इन सब ने ऐसे लंगर पापा के ना गुरु जी ने इकट्ठा किया और एक बड़ा सा माला मेरे लिए तैयार किया और उसमें से सबसे बड़ा डायमंड पता है कौन सा? रेखा आंटी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, प्योर डिवाइन सोल है। गुरु जी की उन पर बहुत मेहर रही। संगत जी, वो सोती है ना तो वाणी के साथ गुरु जी के साथ, वो सत्संग सुनती हुई सोती है। वो उठती है ना, उनका सबसे पहला काम होता है सत्संग को ऑन करना और सत्संग सुनना। वो कोई भी काम करती है ना, वो सारा दिन कभी एक सत्संग, कभी दूसरा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सुखमणि का पाठ, कभी जपजी साहब का पाठ, इसी में होती है। वो अपना नित नेम भी करती है ना, सारा दिन का काम भी वो तब भी वाणी के साथ होती है। संगत जी, मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ कि गुरु जी का एक वचन ये भी है ना कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम चलूंगा, 100 कदम आपके पास आऊ। और इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि मेरा रब है, मेरा भी भरोसा, मैंने भी भरोसा दाग देगा और तुहानू भी देगा अगर आप उनका सत्संग है। वो डेली सैर करने जाती है ना तो कानों में लीड लगाती है और तब भी सत्संग सुनती है। वो रेयरी किसी से बात करती है और वे रेयरी किसी के घर जाती है, जाती है तो सिर्फ सत्संग के लिए। और वो पता है बॉस्टन में रहती है और बॉस्टन की सारी संगत उन्हें बहुत प्यार करती है। दस दिन पहले वो अपनी सैर के लिए घर से निकली और छोटी सी सड़क क्रॉस करते हुए उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा, कोई ट्रैफिक नहीं था। उन्होंने क्रॉस करने के लिए मिड में ही पहुंची थी, ना जाने कहां से एक कार आई और उनको हिट कर दिया इतनी बुरी तरह से। दो ही शब्द निकले, एक उन्होंने आवाज लगाई अपने हस्बैंड को, दूसरे गुरु जी को, गुरु जी मुझे बचाओ, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ गुरु जी उनका, संगत जी उनका। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन्हें उठाया, हॉस्पिटल में ले गए। गुरु जी रब ने बड़ी मेहर की थी, बहुत मेहर करी। ये होता है सिमरन करने। गुरु जी ने इतना हाथ दिता, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2-4 अंदरूनी चोटे, वो भी मामूली से, थोड़ी तकलीफ है पर बहुत हाथ पाकर शुक्राना 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 गुरु जी। ऐसी ऐसी रूहों का ना उनके नाखून में फंसी हुई मैल भी मिल जाए ना, उतनी भी हमें भरोसा आ जाए ना, असी भी है ना देखकर चढ़नी लग जाएंगे, हम भी वाहिगुरु सिमरन करने लग पड़े। रब खुद आंदा है आप बचान बसते, मेरे खान जी के शब्दों से मैंने सुना। और मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर वो आकर अपना सत्संग शेयर करें। सुरेश वासन अंकल जी उन्हें जरूर बुलाना, क्योंकि कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, जो उन पर बीती कैसे रब ने आंकर उन्हों का हाथ पकड़िया और कैसे उन्हें बचाया और कैसे उन्हें दूसरी लाइफ दी ना,
ये सिर्फ वही अपने शब्दों में बयां कर सकेंगे। वो एक अनमोल रतन कमांगी, एक अनमोल मोती है जो मेरी मेरी माला का है, गुरु जी की माला का है और मुझ तक से जुड़ा हुआ। शुक्राना गुरु जी महाराज रेखा आंटी की लाइफ बख्शने के लिए, उनका साथ देने के लिए और हम सबको भरोसा दिलाने के लिए कि अगर आपकी राह पर एक कदम चला जाए तो आप पूरा पूरा साथ देते हो, आप हमेशा अनसंग सहायी रहते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संग जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगी। मुझे नहीं मालूम मैंने इस जिंदगी में कोई अच्छा काम किया, कोई इबादत, कोई पूजा, कोई वाहेगुरु सिमरन, आई डोंट नो। पर पता नहीं किस जन्म का फल मिला। लास्ट संडे ना मेरे पेरेंट्स के घर में सत्संग था, वहां मतलब साल में एक आधा सत्संग होता है। मुझे दरबार सेवा मिली, बख्शी आनंद, शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि वहां कभी कभी सत्संग होता है इसलिए हमें पूरा जो अरेंजमेंट था, सोफा हिलाया, सब चीजें हिला के 2 दिन लग गए थे हमें पूरा दरबार लगाने में। तो संडे नाइट वहां सत्संग था, करीब 60 से 70 संगत थी, बहुत अच्छा सत्संग, ब्लेस सत्संग। हाँ, कड़ा बनाते हुए ना मेरी सिस्टर का हाथ चल गया, कड़ा पर चाद बना रही थी, तो बहुत टेस्टी बनाती है गुरु जी की मेहर से, उसका हाथ जल गया। और उसके बाद उसने कहा कि किचन सेवा अब आप करोगी, मैं नहीं कर सकूंगी। हमने भी कहा अब आप बैठ कर सत्संग सुनो, हम सत्संग किचन सेवा हम सब करेंगे। तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ब्लेस। एक बात और कहूंगी, मेरे जो पापा है ना वो कट्टर आ रही समझ दी, तो माफी चाहूंगी। पर उस दिन गुरुजी ने उस दिन संगत जी उन्होंने 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली जिस हॉल में, जिस बैठक में हमने गुरु जी की गद्दी लगाई थी और सारी संगत बैठी हुई थी, सोफे पर बैठकर 2 घंटे पूरा सत्संग सुना, लाइफ में पहली बार। ये तो जब भी हम वहां सत्संग करते हैं या मेरे तो वो इधर उधर बहुत रेयर कभी जुड़ पाते हैं। एक बात और कहूंगी संगत जी, मेरा जो पापा है ना वो 96 इयर्स ओल्ड है। शुक्राना गुरुजी महाराज, वाहेगुरु सिमरन सुनांदा नाम। संगत जी सारे जने चले गए, सारी संगत, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। एट द एंड ऑफ द डे कहूंगी या एंड ऑफ द सत्संग मेरा बेटा नीचे उतरा, कहने लगा मामा मैं गाड़ी जो है ना पार्क कराता हूँ, क्योंकि हमने नाइट में ही स्टे करना था। कोशिश यही है आज मेरी आंख से आंसू ना गिरे, क्योंकि आज मेरा ना बहुत बड़ा शुक्राना है। बेटा गाड़ी पार्क करने गया, उसने गाड़ी स्टार्ट करी, रिवर्स कर रहा था, उसने बैक मिरर में देखा कि एक बहुत तेजी से गाड़ी चली आ रही है उसकी तरफ से, उसकी स्पीड भी नहीं कम, बहुत स्पीड से चली आ रही है। उसने गाड़ी जो है पटरी की तरफ दबा दी कि इस गाड़ी को निकल जाने दे, पर उस गाड़ी ने मेरे बेटे की गाड़ी को इतनी जोर से हिट किया,
कई मीटर तक मेरी गाड़ी, बच्चे की गाड़ी आवाज, जैसे फिल्मों में सीन देखते हो ना, और फिर नीचे गिर। शुक्राना गुरुजी महाराज, गाड़ी में से निकलकर गाड़ी जब नीचे गिरी, उसको पर उसने सीट बेल्ट बांध रखी थी, उसे बहुत कम, शुक्राना गुरुजी महाराज, उसको फिजिकली बहुत कम चोट आई, बिल्कुल रेयर, सिर्फ कंधों पर और गर्दन पर और कमर पर प्रेशर आया जंप से गिरने के कारण। एक चेल्सी होती है जिसपे गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, वो टूट गई, गाड़ी का पहिया, गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, और संगति गाड़ी जो ऊंची थी ना, वो पटरी से जंप मतलब टकराव के, जैसे वो तीसरे फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आ गई और कई मीटर तक चली। शुक्राना गुरुजी महाराज, से ज्यादा चोट नहीं आई, सारा ट्रैफिक जाम हो गया, वो नजफगढ़ रोड थी, उस पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, दिल्ली में नजफगढ़ रोड है। बहुत मेहर करी गुरुजी महाराज जी ने, उसने धीरे से मतलब की जो थी सारी पब्लिक ने गाड़ी उनकी साइड पर करी, फिर ये उतर कर बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में ये उस गाड़ी की तरफ गया जिस गाड़ी ने उसको हिट किया था, उसकी गाड़ी। इसने देखा उसमें से जो ड्राइवर निकल रहा है, उसकी नाक से खून बह रहा है, क्योंकि ड्राइवर का जो हेड था वो उसी की गाड़ी की स्टेयरिंग में लगा था, और जो उतर रहा है वो एक मामूली सा ड्राइवर है, और कहने लगा मामा, मुझे लगा कि इसे क्या कहना है, और उसकी नाक से खून आ रहा था, और संगत जी वो नशे में था, बहुत नशे में, हम सबके पास वीडियो से, बहुत नशे में था। मेरा भतीजा भी साथ था पर वो गाड़ी में नहीं था, उसने फोन किया कि नीचे मेरे बेटे का नाम शिवा है और थानेश्वर, कहने लगा शिवा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से नीचे हो। हम सब पूरा सब नीचे आ गए सड़क पर हमने देखा जो ड्राइवर है वो नशे में है। इसने पूछा भी उनसे कि आपको मेरी गाड़ी दिखाई नहीं दी, कह रहे नहीं मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दी, वो इतना नशे में था। हम सब ने उसे कहा कि आप अपनी गाड़ी अगर इस हाल में हो तो गाड़ी मत लेकर जाओ, साइड पर रखो, और जब होश आए तो लेकर जाना आगे, नहीं तो किसी और से टकरा जाओगे। संगत जी उनकी गाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ। कहती है ना मैं नहीं थी, मैं वापिस आ गई, क्योंकि मैंने कुछ जेवर पहन रखे थे और मेरा कलेजा था पहले मुंह में आ गया कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, पर जब मैंने उसे देखा ठीक ठाक है, तो मैं रिवर्स गुरुजी के पास आ गई दरबार में और उनका शुक्राना कर रही हूँ। और बेटे से भी मैंने यही कहा, ये सब चीजें है ना मटेरियलिस्ट है, तो ठीक है ना, सलामत है, बस यही बोलते है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे दी लाइफ, मेरा खिलौना बच्चा तो आप ही का बेटा है, और वो मेरा खिलौना है, आपने मुझे मेरा खिलौना दिया, मेरा खिलौना दिया। मैंने पुरानी संगत से और YouTube पर संगत का ना सत्संग सुने थे कि गुरुजी ने लोगों को लाइफ बख्श दी, उन्होंने मेरी झोली मेरा खिलौना दे दिया। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, और मेरी सहेली मेरी प्यार मुझे बख्शने के लिए। Mm-hmm.
मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे की सोच क्या गुरुजी ने ऐसी सोची उदय सिपाही कि जब उसने ड्राइवर को देखा ना तो उसने एक ही कहा कि ये क्या देगा और इससे लूं भी क्यों, तो उसने उसे ना माफ करा। उसने ना पुलिस बुलाई, कह रहा नहीं मामा छोड़ दो और जो पैसे ये देगा भी क्या, 3-4 ये अपने इलाज पर लगा देगा, पुलिस भी इसे तंग करेगी, इसका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। और कह रहा मुझे हंकर मामा जो लोग शराब पीते हैं ना उनका कुछ नहीं जाता, उनका परिवार सफर करता है। सो मामा वो मुझे क्या ले लेता मैं उससे 2-4 हजार। और मेरे उधर के परिवार ने भी इसी सोच को अहमियत दी, हमने पुलिस ने कॉल करी और उससे रिक्वेस्ट करी कि तू गाड़ी जो है साइड पर लगाकर सोने की कोशिश कर, जब सुबह होगी तो आप आगे बढ़ना नहीं तो किसी और से टकरा जाओगे। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे परिवार थे और मेरे बच्चे थे ऐसी सोची पानता भी ऐसी सोच देने के लिए। हम उसे पनिश भी कर सकते थे, हमारी कोई औकात नहीं थी, सकते हम पुलिस भी कॉल कर सकते थे और एक केस भी बना सकते थे, पर उससे उसकी सारी लाइफ खराब हो जाती और उसका परिवार। शुक्राना गुरुजी महाराज वो कहते हैं ना कि हम किसी का पर्दा ढापते हैं ना तो गुरु साढ़े ते पर्दा पर साढ़े गुनाह बख्शते हैं, हमारे गुनाहों को उजागर नहीं होने देते। संगत जी हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते, अब बख्शनहार हो आप कृष्णा। जे तू ना पर्दा बहां असा रुल जाना से, सानू किसी ना मिल दे था असी रुल जाना से। अगर उस दिन गुरु जी महाराज मेरे बेटे पर मेहर ना करते से लाइफ ना बख्शते ना, मैं इमेजिनेशन ही नहीं कर सकती अपनी लाइफ को। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी हमने सुना था ना, सोचा हमने सुना था पुरानी संगत से और गुरु जी कईयों की लाइफ बख्शते, और मैं भी सोचा करती थी अमृत वर्षा शहद वर्षा और यही। आज गुरु जी ने मुझे जो ब्लेस किया ना, आज जो गुरु जी ने मुझे दिया, मैं मेरे को और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गुरु जी, मुझे सिर्फ आप आप मेरे और मेरे परिवार के सदा संसार, मेरे परिवार को और मुझे अपने चरणों में लगाए रख, और ऐसी ही सोचते जैसी आपने उस पल मेरे पूरे परिवार और मेरे बेटे को दी। शुक्राना गुरु जी। आज इस प्लेटफॉर्म में जब ये सत्संग शुरू हुआ, सारे जो शब्द थे ना सब मेरे सत्संग के साथ ही शेयर हो रहे थे। भरोसा, एक तेरा ही भरोसा सबे ढेरियां ढाई, बाकी सब नहीं, सिर्फ एक भरोसा। और शुक्र कर्म में तेरा शुक्र कर, और वो अरदास ऐसे लग रहा था
आज सत्संग सिर्फ मेरे लिए, शुक्राना सुरेश अंकल, लख लख शुक्राना आपका भी, आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया और अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। कितनी भी संगत मेरे इस सत्संग को सुन रही है ना, उनसे यही कहूंगी, मुझे नहीं मालूम मेरे किन जन्मों की किस चीज की केड़ा वाहेगुरु केड़ा ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, उनसी कबूलियत हुई, केड़े पल दी कबूलियत हुई है, मैं नहीं जानती कि आज मेरा परिवार आज फिर हंसता फंसता खिल रहा। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, मेरे परिवार और मुझे अपनी चरणी में लगाए रख, मुझे मांगना भी नहीं ना आता, मैं आपसे आपको मांग रही हूँ, मुझे आप चाहिए, इतना मैं रमा ना कि मैंने कुछ और भी कह ही ना दे, बस मुझे यही दे दो मेरी जोड़ी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना भरोसा, मेरा ये जो भरोसा है, सारी संगतों से मेरा अनुरोध है कि इस राह पर इस रब दी तरफ तुसी एक कदम चलोगे ना, मैं दौड़ा दौड़ा तुहाडे सारे ले ले सारे दूर कर, शुक्राना 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 लख लख शुक्राना। संगत जी ये शुक्राना का सत्संग ही ना मैंने कि मेरी हमने अपने इस गुरु परिवार का गुरु घर के अंदर रखा जहां हम रहते हैं, कल मेरे घर में शुक्राना का सत्संग था, मैंने सारी तैयारी कर दी, सब लंगर प्रसाद भी बन गया, चाय प्रसाद का भी उसमें इलायची भी डाल दी, उबल रहा था चाय मतलब पानी। संगत जी फोन बजा, फोन में एक बुरी खबर थी, मेरे नियर ही परिवार के बहुत क्लोज बिटिया की फादर की डेथ हो गई, वो हमारी डॉटर इन लॉ है उसके फादर की, और वो जो डॉटर इन लॉ है ना वो इसी घर में मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, मेरे जेठ जी की बहू। मैं कंफ्यूज हो गई, सत्संग करना है या नहीं, कैसे करूंगी सत्संग, जिस जहां ये गुरु घर में मैं रहती हूँ, ये पूरी बिल्डिंग जो है वो हम सब भाइयों की है, तो सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, सब कुछ तैयारी थी संगत जी, जिन संगत को मैंने इनवाइट किया हुआ था मैं जानती नहीं थी किसने आना है किसने नहीं, कर तो गुरु तो संगत की और संगत तो गुरु जी की होती है ना, अब गुरु जी ने किसे लाना है किसे नहीं, मैंने तो ग्रुप में मैसेजेस डाल दिए हुए थे, कहां किसके पास पहुंचा है अब एंड टाइम पर, बस दो तीन घंटे थे, चाय बननी थी, बस हमने पानी उबाल दिया था इलायची वाला की ताकि अदरक इलायची का फ्लेवर आए, और उसके साथ ही पत्ती चीनी और दूध उसी टाइम डालेंगे। मैंने संगत को फोन किया और कहा ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने कहा फिर तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मैं चली गई गुरु जी, गुरु संगत जी यहाँ 60 से 70 के करीब संगत थी कल, और संगत ने ही सारा सेवादार, 5 से 7 का था, मैं 6:15 वापिस पहुंची,
बहुत अच्छी तरह से सत्संग हुआ, शुक्राना। ऐसा डर रब, हम नहीं होते करने कराने वाले। हम सोचते हैं मैंने चाय का पानी रख दिया, मैंने दरबार लगा दिया, मैं हम लोगों की मैं नहीं खत्म होती ना, मैं नहीं थी कल करने कराने वाली, और मैं कभी भी नहीं होती, ये होती इनकी संगत थी, ये गुरु परिवार था जिसने मेरे घर में हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया कि संगतों को पता ही नहीं था कि मैं बाहर से कब आ रही, मैं घर पर हूं भी या नहीं। बहुत अच्छा सत्संग हुआ का, शुक्राना का सत्संग था, सारी संगत आई, हर चीज हर तरह से बहुत तरीके से बहुत अच्छी तरह से इनकी मेहर से, शुक्राना सत्संग इन्हीं ने कराया और इन्हीं ने किया, इन्होंने ही किया, हम कुछ नहीं देख, मैं तो बिल्कुल नहीं। लव यू गुरु जी, ये पल पल मुझे एहसास दिला रहे मेरे और मेरे परिवार के साथ, और ये गुरु परिवार के हर हर मेंबर के साथ, हर अंकल और हर आंटी के साथ। और मैं ये कहूंगी हर अंकल और आंटी नहीं, दुनिया के हर हर इंसान, हर एक के साथ ये मौजूद है, हर एक के साथ संसार, बस इसे नहीं थामना है, इनको साथ चलना, इनके कहे वचनों को अपनाना है। एक सच्चा गुरु ही नहीं, एक सच्चा शिष्य भी होता है जो गुरु के कहे हुए वचनों को माने और उस पर चले। हम सब भी उसी पर चलने का प्रयास करेंगे, हमारे छोटे छोटे बेबी स्टेप होंगे, वो हमें बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये पिछले 10 दिन में मुझे इतना एहसास हो गया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे और मेरे परिवार और गुरु परिवार और पूरे संसार के साथ रहने के लिए, वी ऑल आर लकी गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला, सबदा भलाओ, सबदा भलाओ, सबदा भलाओ। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग यही खत्म करूंगी, अगर सत्संग करते हुए कोई मुझसे भूल हो गई हो, गलती कुछ मैं जैसी शब्दों का इस्तेमाल हो गया हो, तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, मुझे माफ करना, मेरे भूला, मेरे गुनाह बख्शना, मैं गुनाहगार हो रहा, आप बख्शनहार हो। शुक्राना संगत जी, मुझे सुनने का, मेरे गुरु, हमारे साक्षात रब शिवदा अवतार, ये हम सबको तारने आए हैं, इन्हें थामे रखो, बहुत मुश्किल से मिलते हैं सतगुरु, ये हमें मिले, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। गुरु का अपनी सबसे ज्यादा प्यारी संगत होती है, मैंने किसी का दिल दुखाया हूँ, जाना या जाना। Thank you.